सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुनील जैन और मैं आपका स्वागत करता हूं लेट्स क्रैक सीए एग्जाम विद अस, दैट इज अन अकेडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं लास्ट 15 ईयर से सीए और सीएस के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स और लॉ टीच कर रहा हूँ। और आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जो कि सीए और सीएस हर किसी एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। तो मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस तरह से आप मुझे अभी YouTube पे लाइव देख रहे हैं और इसी तरीके से अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर भी मेरी डेली क्लासेज होती हैं, लाइव क्लास होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप चाहें तो आप प्ले स्टोर से जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और जो प्लस कोर्स है अन अकेडमी का बच्चों, आप इसे भी बाय कर सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन के पैकेज मिलेंगे, 1 month, 3 month, 6 month, 12 months और 24 months। अगर आप 12 month का पैकेज लेते हैं तो आपकी जो फी है बच्चों 17,500 रुपीज है। और अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं SPSUNIL1 तो आपको मिलेगा 10% डिस्काउंट और आपकी फीस हो जाएगी 15,750 ओनली। और अगर आप 2 ईयर के लिए सब्सक्राइब करते हैं तो आपकी फी रहेगी 18,900 आफ्टर डिस्काउंट। सो मेरे साथ जो जो बच्चे कनेक्ट हो गए हैं उन सबका स्वागत है क्लास में। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। और ये ऐसा टॉपिक है कि आप जब भी कोई प्रोफेशनल कोर्स करते हैं, चाहे आप सीए कर रहे हैं, चाहे आप सीएस कर रहे हैं, चाहे आप सीएमए कर रहे हैं, ये आपको हर जगह मिलेगा, ठीक है। मेरे साथ बहुत सारे बच्चे हैं वो लाइव कनेक्ट हो गए हैं, आप सब लोगों का स्वागत है बच्चों। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब हम लोग बात करते हैं तो मैं आपको कुछ ऐसे टॉपिक भी बताऊंगा जो आपसे एमसीक्यू की फॉर्म में पूछे हैं वो जा सकते हैं। तो देखिएगा, द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इन इंडिया इज कंटेन्ड इन द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो स्लाइड मैं आपको फर्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूं, यहां से कुछ लर्न करने वाली चीजें हैं। नेक्स्ट स्लाइड से हम लोग मीनिंग समझने लगेंगे कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक बेसिक से बातें बता रहा हूं बच्चों। सो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडिया में अप्लाई होता है। तो आपसे जब अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, देखिएगा कि आपसे पूछेगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, 1882, 1876, कोई भी 4 ईयर्स दे देगा। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 अप्लाई होता है, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको यहां से लर्न करना है वो है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 इंडिया में अप्लाई होगा। सेकंड, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। और यहां क्या लिखा था देखिए, एक्सेप्ट द स्टेट जम्मू एंड कश्मीर, और मैंने इस लाइन को कट किया हुआ है। तो इसका मीनिंग क्या है वो आप समझिएगा। जब हम लोग बात करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो जब ये एक्ट अप्लाई हुआ तो ये वाला जो एक्ट है वो जे एंड के में नहीं लगता था आजादी के बाद से। कारण क्या रहा आपको पता ही होगा, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 370 है वो एप्लीकेबल था। लेकिन जैसे अभी भाजपा की सरकार ने जब से आर्टिकल 370 को हटा दिया है, तो जो एक्ट जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं होते थे अब वो जम्मू कश्मीर में एप्लीकेबल होते हैं। सो जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है अब पूरे इंडिया पे अप्लाई होता है, जो पहले जम्मू कश्मीर में नहीं होता था अब जे एंड के में भी होगा, अब जे एंड के में भी अप्लाई होता है। ओके बच्चों, एंड केम इन टू फोर्स ऑन फर्स्ट डे ऑफ सेप्टेंबर 1872। तो आपको ये याद रखना है, फर्स्ट ऑफ सेप्टेंबर 1872। एक तो आपने ईयर याद किया, एक आपने डेट याद की, तीसरी बात आपने याद की कि ये एक्ट पूरे इंडिया में अप्लाई होता है। तो तीन क्वेश्चन बच्चों मैंने आपको अभी तक यहां से बताए हैं। फिर देखिएगा, द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव। एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है इसका मीनिंग क्या होता है? द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव,
इसका मतलब क्या है? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है क्या मीनिंग होगा इसका? एनी स्टूडेंट बताइए बच्चों, द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसका मतलब क्या है? जल्दी जल्दी बताइए फटाफट से, अगर आपको आता है तो बताओ बच्चों, द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसका मतलब क्या है? अगर आपको ये एक्ट आता है तो मुझे बताइए क्या मीनिंग होगा इसका? देखिए, जब हम लोग बात करते हैं द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या होता है ध्यान से समझिएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरी फेस टू फेस क्लास पढ़ाता हूं, मान लीजिए मैं कहीं एक एकेडमी चलाता हूं, आप मेरे पास आए और आपने बोला सर मुझे सीए की कोचिंग लेनी है, मैंने बोला ठीक है मैं पढ़ा दूंगा, मैं इतनी फीस आपसे लूंगा, आपने मुझे उतनी फीस दी और मैंने बोला कि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि आपने मुझे फीस दी है मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये था कि द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसका मतलब आप मुझे बता सकते हैं क्या? जल्दी से बताइए, द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसका मतलब क्या होता है? एक बच्चे ने रिप्लाई किया है द एक्ट इज इंडिपेंडेंट, ओके ठीक है, कुछ और इसके अलावा, कुछ और इसके अलावा, इसके अलावा कुछ और बता सकते हैं? नॉट लिमिटेड, ओके, कशिश बंसल ने बोला है नॉट लिमिटेड, ठीक है, और कुछ इसके अलावा बताइए बच्चों, जल्दी से बताइए क्या लगता है आपको कि क्या मतलब है एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, जल्दी से बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर का, फास्ट फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी बताइए भाई, जल्दी जल्दी, जो जो बच्चे मेरे साथ लाइव कनेक्ट हैं फटाफट से बताइए क्या लगता है आपको द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसका मीनिंग क्या है? नॉट लिमिटेड, नॉट एंड, वाइड इन स्कोप, नहीं, चलिए मैं ही बताता हूं, सुनिए देखिएगा, जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो बहुत सारे तरीके के कॉन्ट्रैक्ट है वो किए जाते हैं, और ये कह रहा है कि इंडिया के अंदर जितने भी टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे ये एक्ट कवर नहीं करता। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मान लीजिए मैं और आप मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, एक पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं होगा? क्या पार्टनरशिप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बताइएगा। अगर मैं और आप मिलके एक पार्टनरशिप फर्म बना लें, क्या हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा, जल्दी से बताइए बच्चों। अगर मैं और आप मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि हम पार्टनरशिप में काम करेंगे, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? यस सर, होगा होगा। तो इट मींस देखिए, लेकिन जब हम इंडिया में पार्टनरशिप बनाते हैं उसके लिए इंडिया में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अलग से बना हुआ है, यानी अगर आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की बात करें तो इसमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है वो वाली बातें नहीं होंगी, यानी ये कुछ एक स्पेसिफिक जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे उनके लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं, सारे टाइप के एक्ट इसमें कवर नहीं होते। द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट डज नॉट डील विद ऑल द ब्रांचेज ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये कह रहा है कि हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट इसमें कवर नहीं होंगे, देर आर सेपरेट एक्ट विच डील विद कॉन्ट्रैक्ट रिलेटिंग टू नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल्स ऑफ गुड्स, पार्टनरशिप, इंश्योरेंस एटसेट्रा। बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो वर्ड यहां पे लिखा है द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे यहां कवर नहीं होते हैं, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट भी होंगे जिनके लिए अलग से एक्ट बने हुए हैं, जिनको अलग से पढ़ा जाता है। बताइए मेरे बच्चों, क्या आपको समझ में आई ये बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? द एक्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, ये आपको समझ में आया अभी कि इसके अंदर हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट, हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट कवर नहीं होंगे, इसके अलावा भी कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में नहीं पड़ते, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, या जैसे मान लीजिए मेरे पास एक हाउस है वो मैंने आपको सेल कर दिया तो वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर होगा, पार्टनरशिप अलग कवर होंगे,
इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट अलग कवर होंगे, चेक, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिजरी नोट, ये चीजें अलग कवर होंगी। बताओ मेरे बच्चों, क्या आपको समझ में आया? तो यहां से मैंने आपको क्या क्या बातें बताई हैं कि जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो 1 सितंबर 1872 में अप्लाई हुआ था, लागू हुआ था, और ये पूरे इंडिया में अप्लाई होता है, जे एंड के में भी अप्लाई होगा। पहले नहीं होता जे एंड के में, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद अब ये जे एंड के में भी अप्लाई होता है। दूसरी बात, जब हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे तो हमें इंडिया में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे नहीं पढ़ने इसके अंदर। हम लोग जब पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, पार्टनरशिप आपको अलग पढ़ना पड़ेगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी आपको अलग पढ़ना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो ये एक्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, इसमें हम लोग सिर्फ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो उसमें जनरल टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या होती है हमारी। ओके बच्चों, ये जो स्कीम ऑफ द एक्ट है, अगर हम लोग बात करें स्कीम ऑफ एक्ट, मतलब कौन कौन से सेक्शंस हम लोगों को पढ़ने होंगे, यहां पे देखिएगा, ये कहता है कि स्कीम ऑफ द एक्ट में बी डिवाइडेड इनटू टू मेन ग्रुप्स। दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं इसको। पहला है सेक्शन 1 से लेके 75, जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स हैं, जिस पे हमारा मेन फोकस रहेगा। इसके बाद आता है बच्चों सेक्शन 124 से लेके 147, इंडेमनिटी एंड गारंटी, बेलमेंट एंड प्लेज आएगा 148 से 181, और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आएगा 182 से 238। अभी के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है, सर ये क्या क्या बता दिया, हमें तो यही नहीं पता बेलमेंट क्या होता है, हमें नहीं पता प्लेज क्या होता है, इंडेमनिटी क्या होता है, ये सारी हम सीखेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको क्या बता रहा हूं कि इस एक्ट में कितने सेक्शन हैं और कौन कौन से सेक्शन में कौन कौन सी चीजें कवर हो रही हैं। लेकिन अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक चीज, जो सेक्शन 76 है और सेक्शन 123 है, ये तो गायब हैं बीच में से, ये तो बीच से गायब हैं। सर ये कहां गए? सर सेक्शन 171 से लेके 75 भी हमें समझ आया, फिर जो स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 124 से लेके 238 आपने बता दिया, तो बीच वाले जो सेक्शन थे सेक्शन 76 से लेके 123, ये वाले सारे सेक्शन सर कहां गायब हो गए? क्या आप खा गए? आपको इतनी भूख लगी है कि ये सारे के सारे सेक्शन बीच में कहीं उड़ा दिए आपने? क्या कोई बच्चा मुझे इसका जवाब दे सकता है कि ये बीच वाले सारे सेक्शन कहां गए होंगे? ये जो बीच वाले सेक्शन है सारे, ये कहां गए होंगे? क्या कोई बच्चा इसका रिप्लाई कर सकता है मुझे? बताइए, जल्दी से बताइए। अगर आपने पढ़ा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो मुझे बताइए ये बीच वाले सेक्शन कहां चले गए? बताओ बच्चों जल्दी से। अगर नहीं पता है तो ये भी बता दीजिए, नहीं पता है, पता है तो बताइए कि ये बीच वाले सेक्शन कहां गए हैं सारे। जल्दी जल्दी से रिप्लाई करो भाई, इतने सुस्त क्यों बैठे हो? एक्टिव हो जाओ पहले, ऐसे नहीं काम चलेगा, ये लो की क्लास है, इसमें सुस्त होके बैठोगे काम नहीं चलने वाला, एक्टिव बनना पड़ेगा बच्चों आपको। डोंट नो सर? ओके डोंट नो, तो समझो मैं बताता हूं कहां गए ये वाले सेक्शन। देखिएगा, बिफोर 1930 द एक्ट ऑल्सो कंटेन प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड पार्टनरशिप। मतलब पहले क्या होता था, ये एक्ट कब बना? 1 सितंबर 1872 को बना बच्चों। तो पहले क्या होता था, जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, उसके भी रूल इसी में होते थे, पूरा एक ही एक्ट होता था। 1930 में एक अलग से एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, और ये जो सेक्शन 76 से लेके 123 थे, ये सारे सेक्शन पहले कहां थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। लेकिन बाद में क्या किया 1930 में, कि सेक्शन 76 से लेके 123 को उठा लिया और एक नया एक्ट बना दिया जिसका नाम क्या हो गया? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। यानी ये जो सेक्शन 76 से 123 थे, ये डील करते थे बच्चों, किस में डील करते थे? ये सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की बातें इसमें होती थी, ठीक है? तो इसको उठा के क्या कर दिया, नया एक्ट बना दिया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। और सेक्शन 239 से लेके 266, जो यहां तो हमें पता लगे नहीं क्योंकि ये तो लास्ट वाले थे बच्चों, ये तो लास्ट वाले थे, ये हमें पता लगा नहीं।
एक सेकेंड, यहां देखिएगा ये 238 तक तो आपको दिख गया, इसके बाद भी थे। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं जब ये एक्ट बना 1 सितंबर 1872 तो कितने सेक्शन थे, 1 से लेके 75, 76 से लेके 123, 124 से लेके 238 और 239 से लेके 266, ये ऐसे था, ये पूरा एक्ट था इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। बाद में क्या किया इसका, तो क्या बना दिया, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, 1930 में, और इसका क्या बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अब जो करंट हमारे पास इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें क्या बच गया, 1 से लेके 75 और 124 से लेके 238, ये सेक्शन बच गए। बताओ मेरे बच्चों क्या ये बात समझ में आई, इतनी बात क्लियर हुई नहीं हुई, जल्दी से बताइए क्या आपको इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। किसी बच्चे को इसमें डाउट है कि सर ये कैसे हुआ, ये सेक्शन का गेम क्या चेंज हुआ, जब पहले एक्ट बना था तो सारे 1 से लेके 266 तक सारे ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में होते थे, लेकिन कुछ चेंज हुआ तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 में बना, वहां से सेक्शन निकाल दिए 76 से लेके 123, ठीक है, और 239 से 266 थे जो, वो 1932 में क्या बना दिया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना दिया। बच्चों ये सेक्शन को निकाल के बना दिया नया एक्ट जिसका नाम रखा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, इन सेक्शन का बना दिया नया एक्ट जिसका नाम रखा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो करंट में जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसमें खाली कौन कौन से सेक्शन है, 1 से लेके 75 और 124 से लेके 238 तक, यही सेक्शन है बस। ओके समझ आया बच्चों आपको मेरी बात। चलिए फिर अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर। अब मैं आपके साथ स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर। अभी तक मैंने आपसे कुछ बेसिक बेसिक बातें की थी चैप्टर के नाम के ऊपर, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक्चुअल में है क्या, टॉपिक्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो तैयार हैं बच्चों आप लोग टॉपिक को पढ़ने के लिए, देखिएगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन H इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। एक बार इस लाइन को याद कर लो बस, अभी सिखाता हूं फिर क्या है, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल टू कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो इसे आज हमने सीखना है, इतनी बात अगर आपको अच्छे से समझ में आ गई तो समझ लेना चैप्टर आपको बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है फिर, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले दो बातें हुई, एक हुआ एग्रीमेंट, एक हुआ एनफोर्सेबल बाय लॉ, तो दोनों का मीनिंग क्या है एक एक करके मैं आपको समझा देता हूं बच्चों। देखिएगा दो पार्टी होंगी मिनिमम, एक का नाम है टिल्लू और एक का नाम है चिल्लू, ठीक है। अब टिल्लू क्या करेगा, चिल्लू को एक ऑफर देगा, एक ऑफर देगा, क्या ऑफर दे रहा है कि मैं मेरी बाइक तुम्हें 5,000 रुपये में बेचना चाहता हूं, ठीक है, लो एक बाइक बना देता हूं, ठीक है, एक बाइक बना देते हैं, ये बाइक है चिल्लू की, ठीक है। ये क्या करना चाहता है, ये टिल्लू को बेचना चाहता है कितने रुपए में, 5,000 रुपए में,
ठीक है। तो हुआ क्या, टिल्लू ने एक ऑफर किया चिल्लू को। क्या ऑफर किया कि मैं मेरी बाइक तुम्हें 5,000 रुपए में बेचना चाहता हूं। अब ये बताइए, क्या चिल्लू खरीदने के लिए बाउंड है कि नहीं है? अगर टिल्लू ने बोला कि मैं चाहता हूं कि मैं मेरी बाइक तुम्हें 5,000 रुपए में बेच दूं, क्या चिल्लू खरीदने के लिए बाउंड है? क्या चिल्लू को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा? बताओ, क्या चिल्लू को खरीदना ही खरीदना पड़ेगा? क्या यस और नो? नो सर, मना भी कर सकता है और परचेज भी कर सकता है, उसकी मर्जी है। वो चाहे तो हाँ भी कर दे, चाहे तो क्या कर दे, ना भी कर दे। अगर चिल्लू ने बोला कि नहीं भाई, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को तेरी बाइक पसंद नहीं है, तेरी खटारा बाइक है, रख तेरे पास, मेरे को नहीं चाहिए 5,000 में भी, तो ऑफर यहां पे खत्म हो जाता, बात यहीं पे खत्म हो जाती। लेकिन अगर चिल्लू बोलता हाँ मैं तैयार हूं, मैं खरीदूंगा आपकी बाइक 5,000 रुपए में, तो उसने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया। उसने क्या कर दिया, एक्सेप्टेंस दे दिया, हाँ भर दी कि हाँ जी ठीक है, तैयार हूं मैं ले लूंगा ये चीज आपसे। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, ऑफर हुआ प्लस एक्सेप्टेंस हुआ, तो ये क्या बन गया, ये एग्रीमेंट बन गया, ये एग्रीमेंट बन गया। बताइए समझ आई कि नहीं मेरी बात आपको? एग्रीमेंट का मीनिंग समझ में आया कि एक पार्टी ऑफर करती है, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, तो दोनों पार्टी के बीच में एग्रीमेंट हो जाता है। बोलो, एग्रीमेंट का मीनिंग समझ में आया कि एग्रीमेंट क्या होता है? एक पार्टी ऑफर करेगी, दूसरी पार्टी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, ऑफर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गया, तो एग्रीमेंट बन जाता है। ओके, बताओ मेरे बच्चों, समझ आया कि नहीं आया आपको ये? ठीक है, अब सुनो। अब अगर बाद में ये चिल्लू बोले, एग्रीमेंट हो गया ना, अब चिल्लू बोलता है कि मैं तेरी बाइक परचेज नहीं करूंगा, मेरे को नहीं चाहिए तेरी बाइक, तो टिल्लू क्या कर सकता है बताओ? टिल्लू क्या कर सकता है बताइए? अगर चिल्लू ने बाद में बोला, पहले तो एक्सेप्टेंस दे दिया, बोला हां ठीक है मैं परचेज कर लूंगा, बाद में चिल्लू ने मना कर दिया, मेरे को नहीं खरीदना भाई, ठीक है, तो टिल्लू क्या कर सकता है? जल्दी बताओ, जल्दी, फटाफट से, फटाफट से बताइए। तो टिल्लू क्या कर सकता है? टिल्लू के पास क्या ऑप्शन है? कशिश बंसल ने बोला है फाइल शूट, ओके, केस कर देगा, ठीक है, हाँ केस कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, केस कर सकता है। तो केस कर सकता है बच्चों, इसी को बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ, इसी को बोलते हैं एनफोर्सेबल बाय लॉ। बात समझ में आ रही है? बोलो, समझ आया कि नहीं आया? नहीं, किसी और को दे देगा? नहीं, किसी और को नहीं, बात हो रही है केस करने की। क्या कोर्ट में जाके बोल सकता है क्या कि भाई चिल्लू ने मेरे से एग्रीमेंट किया था, ये मेरी बाइक परचेज करेगा, अब परचेज नहीं कर रहा, मना कर रहा है? ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सुनो ध्यान से, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। इसके लिए चिल्लू का थोड़ा सा रंग रूप बदलना पड़ेगा। जो चिल्लू है, मान लो ये एक गुंडा है, ठीक है, चिल्लू एक गुंडा है। अब क्या है, टिल्लू आता है चिल्लू के पास, ठीक है, टिल्लू आता है चिल्लू के पास, क्या बोलता है कि भाई एक लड़का है, इसका नाम है मान लो पिल्लू, और इससे ना मेरी लड़ाई हो गई है। टिल्लू ने चिल्लू को बोला कि इससे मेरी लड़ाई हो गई है, पिल्लू से, ये मेरे को पसंद नहीं है, ठीक है, ओके, अभी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर लूंगा, अभी मैं आपके क्वेश्चन के आंसर लूंगा, 1 मिनट रुको बच्चे, अभी बताता हूं। तो टिल्लू ने चिल्लू को क्या बोला, भाई ऐसा है, ये लड़का मेरे को पसंद नहीं है, मैं आपको ना 50,000 रुपए दूंगा, आप पिल्लू के हाथ पैर तोड़ दो, लड़ाई हो गई आपस में टिल्लू पिल्लू की,
तो टिल्लू गया चिल्लू के पास, क्या बोलता है कि मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा, बस आपको करना क्या है, जाके पिल्लू के हाथ पैर तोड़ देने हैं। इसने बोला, ऑफर किया, टिल्लू ने ऑफर किया कि नहीं किया बताओ। अभी टिल्लू ने क्या ऑफर किया चिल्लू को कि मैं 50,000 दूंगा अगर तुमने हाथ पैर तोड़े। ये बोलता ओके एक्सेप्टेंस, मैं मेरा काम ही ये है, मैं बिल्कुल कर दूंगा अभी। तो टिल्लू ने 50,000 रुपए चिल्लू को दे दिए। अब बाद में क्या हुआ, ये जो चिल्लू है ये पिल्लू का दोस्त निकल गया, पैसे भी ले लिए और कुछ काम भी नहीं किया, पैसे भी ले लिए और कुछ काम भी नहीं किया, तो क्या अब टिल्लू कोर्ट में जाके केस कर सकता है क्या? बताइए, क्या टिल्लू कोर्ट में जाके केस कर सकता है? जी ऐसा है, मैंने बोला था चिल्लू को कि इसके हाथ पैर तोड़ने मैंने पैसे दिए थे, हमारा एग्रीमेंट हुआ था, अब ये मना कर रहा, अपना काम पूरा नहीं कर रहा, तो इसको बोलो जाके हाथ पैर तोड़े, इसको बोलो जाके हाथ पैर तोड़ के आए, हमारा एग्रीमेंट हुआ था, हमने ऐसी बात की थी। तो कोर्ट क्या बोलेगा? ना भाई ऐसे नहीं, अगर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट टिल्लू को ही पकड़ लेगा। चलो भाई पुलिस वालों को बोलेंगे इसके हाथ पैर तोड़ो तुम, ये दूसरों के हाथ पैर तोड़वाता है, इसी को तोड़ो तुम पहले, फिर देखेंगे बाकी बातें बाद में, है ना। तो इस केस में एग्रीमेंट तो हुआ, ऑफर भी हुआ, एक्सेप्टेंस भी हुआ, एग्रीमेंट बन गया, लेकिन एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, इसलिए आप इसे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। ये एग्रीमेंट तो है लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसे कोर्ट में जाके पूरा नहीं करवाया जा सकता। बताओ मेरे बच्चों, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई जो मैंने बताया आपको? ओके, अब मेरे पास एक क्वेश्चन था, सर एग्रीमेंट रिटर्न में ना हो तो कोई बात नहीं बच्चे, चलेगा, विटनेस क्या होगा एग्रीमेंट का? देखिए अब आप किस बात पे चले गए हैं मैं आपको बता दूं, मैं आपको बता दूं बच्चे, हेमंत ने बोला है सर इट इज ए वॉइड एग्रीमेंट, ओके ठीक है। मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आपका एग्रीमेंट, आपका कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है, कैसा भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे इक्वल माना जाता है। दूसरी बात यह है कि एविडेंस क्या होगा, ये आपको सोचने की जरूरत नहीं है, जो जो बातें मैं आपको बता रहा हूं आपने ये मान के चलना है कि ये बातें कोर्ट में प्रूव हो गई हैं। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था कि टिल्लू ने ऑफर किया चिल्लू को बाइक परचेज करने का, चिल्लू ने हां भर दिया, तो आप ये मान के चलना कि ये सारी बातें कोर्ट के सामने हुई हैं, कोर्ट को पता है इन सब बातों का। प्रूफ कैसे करना है, कैसे नहीं होगा, किस बात को मानेंगे किसको नहीं मानेंगे, ये आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे, जब आप पढ़ेंगे इंडियन एविडेंस एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट वहां पे आपको पढ़ना होगा। अभी के लिए आप क्या मान के चलेंगे कि जो भी बातें मैं कर रहा हूं वो सारी की सारी बातें ओके हैं, ठीक है, सारी की सारी बातें ओके हैं, कोर्ट में प्रूव हो जाएंगे। बट सर हेयर इज इलीगल कंसिडरेशन, देन हाउ इट इज एग्रीमेंट, एग्रीमेंट है ना, है क्यों नहीं, इलीगल एग्रीमेंट है, ठीक है। ये किसने बोला कि इलीगल कंसिडरेशन होने पे एग्रीमेंट नहीं होता, ये तो कहीं भी नहीं लिखा कि इलीगल, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, मैं ये बोल रहा हूं एग्रीमेंट तो है बट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसे आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हो, समझ पा रहे हो मेरी बात को? आपका एग्रीमेंट रिटन हो ओरल हो दोनों चलेंगे, लेकिन कोर्ट में प्रूव करना पड़ेगा, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये हमारी जिम्मेवारी नहीं, ये हमारी टेंशन नहीं है। अगर आप कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाते, ऐसे कोई बात हुई थी, भूल जाओ, फिर कुछ नहीं मिलने वाला, ये मान के चलो कि सारी बातें कोर्ट में प्रूव हो जाएंगी, ओके। सो अब हम लोग थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, देखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्या कहता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, क्या कह रहे हैं, एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ ये कॉन्ट्रैक्ट है। बताइए समझ आया कि नहीं आया, एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ इक्वल टू क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, समझ आया कि नहीं आया। अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव, हां कशिश बंसल, अनलॉफुल ऑब्जेक्टिव है तो भी एग्रीमेंट होगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा।
कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा लेकिन एग्रीमेंट तो होगा। ऑब्जेक्टिव अनलॉफुल है तो भी एग्रीमेंट तो बनेगा। ओके तो क्या कह रहा है, ए कॉन्ट्रैक्ट देयर फोर इज एन एग्रीमेंट द ऑब्जेक्ट ऑफ विच इज टू क्रिएट ए लीगल ऑब्लिगेशन ए ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। यानी आप जब ऐसा एग्रीमेंट करें जिससे एक ड्यूटी क्रिएट हो जाती है आपकी कि आपको वो काम पूरा करना पड़ेगा, तो उसे हम एग्रीमेंट, उस एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। ओके सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, देखिएगा अभी हम लोग बात कर रहे थे एग्रीमेंट की, तो एग्रीमेंट कैसे बनता था, एग्रीमेंट कैसे बना था, ऑफर हुआ सामने से एक्सेप्टेंस हो गया, तो ये क्या बन गया था एग्रीमेंट, ये क्या बन गया था एग्रीमेंट। अब देखिएगा एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2E एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। अब एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए, मान लो ऐसा क्वेश्चन आया ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रोमिस, तो इसको आपने ठीक करना है बच्चों, इसको आपने ठीक करना है, ध्यान रखना ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रोमिस। और मैंने अभी बताया था ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, सर ये क्या हो रहा है बेटा, प्रोमिस सिंगल भी हो सकता है और सेट ऑफ प्रोमिस भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर सिंगल प्रोमिस है तो वही क्या है एग्रीमेंट है, और सेट ऑफ प्रोमिस है तो वो भी एग्रीमेंट है, एक से ज्यादा प्रोमिस हो रहे हैं तो। ठीक है, तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट और प्रोमिस का मतलब एक ही है, एग्रीमेंट और प्रोमिस का मतलब एक ही है। तो एग्रीमेंट एज पर सेक्शन 2E एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस जिसमें एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है उसे हम क्या कहते हैं एग्रीमेंट कहते हैं। अगर इतनी सी बात मैं उठाऊं, एवरी प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट, अगर मैं बीच की बातें छोड़ दूं तो मैं क्या बोल रहा हूं एवरी प्रोमिस इज एन एग्रीमेंट, इसका मतलब जो प्रोमिस हुआ वही क्या है एग्रीमेंट है। यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करेंगे आप उसे प्रोमिस भी बोल सकते हैं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस करेंगे आप उसे एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, नैन्सी मित्तल ने बोला है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, और मैं कहता हूं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रोमिस भी हो सकता है, दोनों ही चीजें ठीक हैं, दोनों ही चीजें ठीक है बच्चों, एग्रीमेंट बोलो प्रोमिस बोलो चलेगा। ठीक है, तो एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिस जिसमें कंसिडरेशन होगा उसको हम क्या कहते हैं एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, इन एग्रीमेंट बोथ पार्टीज प्रोमिस इज एसेंशियल। ओके हाँ जी बच्चों बताइए, समझ आए कि नहीं आए आपको ये। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हम मैंने आपको जो सिखाया ये मैंने सिखाया था कि एक बंदे ने ऑफर किया और दूसरे बंदे ने क्या किया एक्सेप्टेंस दे दिया, एक बंदे ने ऑफर किया दूसरे बंदे ने एक्सेप्टेंस दे दिया तो क्या बन गया था एग्रीमेंट बन गया था। यानी कि मैं कब बोलूं कि एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट बन गया है कब बोलेंगे, जब ऑफर हो गया और सामने वाले ने एक्सेप्ट कर दिया। तो इसी के बेस पे देखो एक डेफिनेशन बनाई है यहां पे, व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, प्रपोजल बोलो या ऑफर बोलो मतलब सेम ही है बच्चों, प्रपोजल या ऑफर दोनों का मतलब सेम होता है। व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, उस बात पे अपनी सहमति दिखा देता है। क्या कह रहा है, वो पर्सन जिसको हमने ऑफर किया था वो सिग्निफाइज हिज एसेंट, अपनी सहमति दे देता है उस बात पे, द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, तो मान लिया जाता है प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और एक प्रपोजल जब
जब एक्सेप्ट हो जाएगा तो वो क्या बन जाता है, प्रोमिस बन जाता है। ठीक है, बताइए सर आप ये नोट्स प्रोवाइड कर देना डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी बिल्कुल रुखसार खान बेटा, बिल्कुल कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1% भी बिल्कुल पक्का पक्का कर दूंगा। तो देखो क्या हुआ, जो मैंने आपको ये बना के दिखाया, अभी क्या बनाया था कि ये टिल्लू है, ये चिल्लू है, इसने इसको ऑफर किया था, इसने एक्सेप्टेंस दे दिया था, इसने ऑफर किया था, इसने एक्सेप्टेंस दे दिया था, तो ये एग्रीमेंट बन गया था। ठीक है, नहीं आ गया अगर आ भी जाता तो एक ऑप्शन में बोथ एंड बी लाइक ऑप्शन जरूर मिलेगा। ओके ओके सुनो, अब क्या कहता है, व्हेन ए पर्सन, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इतनी लाइन पढ़ूं तो मैं टिल्लू की बात कर रहा हूं कि चिल्लू की बात कर रहा हूं, बताइए। व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, तो टिल्लू की बात हो रही है कि चिल्लू की बात हो रही है, बताओ फटाफट से बताओ बच्चों। अच्छा ज्योति गोयल ने पूछा था ऑप्शन में ये दोनों आ जाएं तो, ऑप्शन में दोनों आ जाएं तो ऑफर प्लस एग्री, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रोमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रोमिस लिखना, चिल्लू। हाँ चिल्लू की बात हो रही है। व्हेन द पर्सन टू होम, वो पर्सन जिसे ऑफर किया गया है, चिल्लू को किया गया है, टिल्लू ने बोला था ना कि मेरी बाइक परचेज कर लो भाई, सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, एसेंट मतलब सहमति, अपनी सहमति दिखा देता है कि हाँ मैं तैयार हूं इस काम के लिए। द प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड, तो कहा जाता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया, तो कहा जाता है कि प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया। और एक प्रपोजल यानी एक ऑफर जब एक्सेप्ट हो जाता है, यानी ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाता है, तो बच्चों वो क्या बन जाएगा, वो एक प्रोमिस बन जाता है। अगर एग्जाम में आपके पास और दोनों ऑप्शन आ जाएं, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रोमिस, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, तो ध्यान रखना आपको टिक करना है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू प्रोमिस, प्रायोरिटी आपको देनी है प्रोमिस को। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस अगर प्रोमिस पूछा जाए तो आपको प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रोमिस को देनी है। ओके रुखसार बच्चे, ये क्लास चल रही है सीए फाउंडेशन के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं आता, बच्चों ने पूछ लिया इसलिए मैंने आपको जवाब दे दिया। ठीक है, ये सीए की क्लास चल रही है सीए फाउंडेशन के लिए, वो एक बच्चे ने पूछा तो इसलिए मैंने रिप्लाई कर दिया आपको। ओके तो फिर से देख लो, रिपीट करके बता रहा हूं, एन एग्रीमेंट देयर फोर कम्स इन टू एग्जिस्टेंस, एग्रीमेंट कब बनेगा, ओनली वेन वन पार्टी मेक्स ए प्रपोजल और ऑफर टू अनदर पार्टी, एक पार्टी ऑफर करेगी दूसरे को, एंड दैट अदर पार्टी सिग्निफाइज एसेंट, वो अपनी एक्सेप्टेंस दे देगा तो वो बन जाएगा एग्रीमेंट। तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, एग्रीमेंट हो जाता है। तो बताओ बच्चों क्या यहां तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है या मेरी बात आपको समझ में आई, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट, इतनी बात आपको समझ में आ गई है, नहीं आई है, कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर, ओके वेरी गुड शाबाश। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो क्या क्या बातें सामने निकल के आई, यहां से क्या क्या बातें निकल के आई हैं सामने, कि जब आप एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो प्लूरल पर्सन होने चाहिए, मोर देन वन, एक पर्सन खुद से ही एग्रीमेंट कर ले। क्या ऐसा होगा, मैं बोलता हूं कि मैं मेरा ये मोबाइल, ये जो मोबाइल मेरे हाथ में है, ये मैं खुद को बेच दूंगा 10,000 रुपए का, और बाद में मैंने खुद को बेचा नहीं तो मैं कोर्ट में चला गया और मैंने बोला जाके, जज साहब मैंने खुद से एग्रीमेंट किया था कि मैं ये मोबाइल खुद को बेच दूंगा और मैंने खरीदा नहीं खुद से, मुझे केस करना है मेरे ऊपर। क्या ऐसा होगा कभी बताइए, तो जज बोलेगा आप गलत जगह आ गए हो, आपको पागल खाने जाना चाहिए था,
आप मेंटल हॉस्पिटल जाइए, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ये कोर्ट है, पागल खाने जाओ भाई, गलत दरवाजे पे आ गए हो तुम। तो एग्रीमेंट करने के लिए क्या होगा बच्चों, एग्रीमेंट करने के लिए जरूरी है कि कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए। एक पर्सन ऑफर करेगा और एक पर्सन क्या होगा जिसको ऑफर किया जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, मैं क्या कह रहा हूं आपको? तो देयर मस्ट बी टू और मोर पर्सन टू मेक एन एग्रीमेंट बिकॉज वन पर्सन कैन नॉट एंटर इन टू एन एग्रीमेंट विद हिमसेल्फ। तो कम से कम 2 पर्सन की रिक्वायरमेंट है एग्रीमेंट करने के लिए। बात समझ में आ रही है? और कंसेंसस एड आइडम, इसका मतलब होता है कि जो ऑफर किया गया है उसी को एक्सेप्ट किया जाए उसी सेंस में, वरना तो एग्रीमेंट नहीं बनेगा। जैसे मान लो मैंने बोला, ए ने बोला बी को, मेरी बाइक परचेज कर लो 50,000 रुपए में। बी ने बोला ठीक है, मैं परचेज करने के लिए तैयार हूं 30,000 में। बताइए क्या ये एग्रीमेंट हो गया? बताओ मेरे बच्चों, क्या ये एग्रीमेंट बना कि नहीं बना? ए ने बोला बी को कि आप मेरी बाइक परचेज कर लो 50,000 में, तो बी ने ए को बोला कि मैं 30,000 में परचेज कर लूंगा, देना है तो बताओ, क्या ये एग्रीमेंट है? नहीं। जैसा बोला गया वैसे ही एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट एग्री अबाउट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ एग्रीमेंट इन द सेम सेंस एंड द सेम टाइम। सेम बात होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है बच्चों आपको? एक्सेप्टेंस नहीं है, काउंटर ऑफर है। बहुत बढ़िया, शाबाश कशिश बंसल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया बच्चों, शाबाश। ओके, तो आप ध्यान से समझ लेने मेरी बात को। मैंने बोला एग्रीमेंट होना चाहिए प्लस एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। इट मींस लीगल ऑब्लिगेशन होना जरूरी है। अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होगा तो इट मींस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो क्या कहता है? एज स्टेटेड अबव एन एग्रीमेंट टू बिकम ए कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन। ये कह रहा है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनेगा जब लीगल ऑब्लिगेशन हो, वरना तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता। इफ एन एग्रीमेंट इज इनकैपेबल ऑफ क्रिएटिंग ए ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ठीक है, तो दस एन एग्रीमेंट इज ए वाइडर टर्म देन ए कॉन्ट्रैक्ट, ये याद कर लेना। ऑल कॉन्ट्रैक्ट, ये 3 मार्क्स 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है बच्चों सीए में। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अगर मैं ये बनाऊं, मान लो एक ए है और एक बी है, तो क्या आप इस डायग्राम के हिसाब से, इस डायग्राम के हिसाब से आप मुझे ये बता सकते हैं क्या कि इसमें से ए एग्रीमेंट होगा या ए कॉन्ट्रैक्ट होगा? ए और बी दो चीजें बनाई मैंने, एक वेन डायग्राम बना दिया। आप मुझे ये बता सकते हैं ए इसमें एग्रीमेंट है या ए इसमें कॉन्ट्रैक्ट है? बताओ बच्चों, ए एग्रीमेंट है या कॉन्ट्रैक्ट है? ओके, कुछ बच्चे कहते हैं सर ये ए एग्रीमेंट है और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ए कॉन्ट्रैक्ट है। ओके, सो ए और बी दो टर्म मैंने बताई हैं, बी इज एग्रीमेंट, ए इज कॉन्ट्रैक्ट। ए इज कॉन्ट्रैक्ट, बी इज एग्रीमेंट। मैंने बोला बच्चों कि जो एग्रीमेंट है वो एक बड़ी चीज है, एग्रीमेंट एक बड़ी चीज है, उसका एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो, ऑफर हुआ प्लस एक्सेप्टेंस हुआ, ऑफर हुआ एक्सेप्टेंस हुआ, एग्रीमेंट तो बन ही गया ना।
ऑफर हुआ और एक्सेप्टेंस हुआ, एग्रीमेंट तो बन ही गया, लेकिन ये एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनाऊं जब ये एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा? तो जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पहले एग्रीमेंट तो बने ही होंगे ना, जो सारे कॉन्ट्रैक्ट हैं वो पहले एग्रीमेंट तो बने ही बने होंगे। तो पहले एग्रीमेंट बनता है बच्चों, उन एग्रीमेंट में से कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते। वो वाले एग्रीमेंट जिनमें एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ आ जाती है वही कॉन्ट्रैक्ट बन पाते हैं। तो एग्रीमेंट बड़ी चीज है, कॉन्ट्रैक्ट छोटी चीज है उससे। तो इसलिए बी इज एग्रीमेंट, ए इज कॉन्ट्रैक्ट लिखा है ना यहां पे। देखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। बताओ समझ आया आपको मैं क्या कह रहा हूं? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये एग्जाम में 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आपके पास क्वेश्चन आएगा, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, राइट ए शॉर्ट नोट, इस पे शॉर्ट नोट लिखिए। तो आपको क्या बताना पड़ेगा कि एग्रीमेंट की जब बात करते हैं तो ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस की बात होती है सिर्फ, लेकिन जब कॉन्ट्रैक्ट की बात करते तो एनफोर्सिबिलिटी भी लानी पड़ती है। इसीलिए सारे जो एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते। ओके, सो इसमें किसी बच्चे को डाउट है तो बताइए, क्या इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है? बोलो भाई बोलो, फटाफट से बोलो, एनी डाउट? जो मैंने आपको अभी बताया, क्या आपको किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट है? नो डाउट। तो देखिए, एग्रीमेंट ऑफ सोशल नेचर, ए प्रोमिस टू लंच टूगेदर एट ए फ्रेंड्स हाउस, कि भाई कल आ जाना, कल उसके घर पे लंच करेंगे, टू टेक ए वॉक टूगेदर, कल सुबह घूमने चलेंगे, ये सारे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि इससे कोई लीगल लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती है। समझ पा रहे हो? जैसे मान लो मैं और आप फ्रेंड हैं, मैंने आपको बोला भाई ऐसा है कल सुबह उठ के ना 5 बजे हम सुबह सुबह दौड़ लगाने चलेंगे, तुम उठने वाले बंदे हो 10 बजे, 5 बजे उठना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी महाभारत है, लेकिन मैंने फोर्स किया, ना भाई पक्का पक्का चलेंगे, सुबह 5 बजे मैं तेरे घर पे आ जाऊंगा, तैयार रहना, बस 5 बजे उठते दौड़ लगाने चलेंगे। तुमने बोला ठीक है, तुमने क्या किया, सुबह 5 बजे उठ के तैयार होके गली में खड़े हो गए कि भाई आएगा घूमने चलेंगे, और मैं आया ही नहीं। तुमने वेट देखी 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, मैं सोया पड़ा हूं, मैं आया ही नहीं। तो तुमने जाके कोर्ट में मेरे ऊपर केस कर दिया कि ये जो बंदा दिखाई दे रहा है बड़ी बड़ी दाढ़ी वाला, इसने मेरे से एग्रीमेंट किया था कि हम सुबह घूमने के लिए जाएंगे, ये सुबह सुबह आया नहीं, मेरे को जगा के छोड़ दिया, इसको जेल में भेज दिया जाए, इस पे जुर्माना लगा दिया जाए। तो कोर्ट बोलेगा भाई घर जाओ प्लीज, ऐसी चीजें नहीं होती यहाँ पे, ये सोशल नेचर के एग्रीमेंट हैं। अगर कोई ऐसे बात होती जिससे लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो तो हम सुनते हैं, जो सोशल नेचर के एग्रीमेंट होंगे उसके अंदर हम कुछ सुनते नहीं है, तो जाओ यहां से, कुछ नहीं होने वाला। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो बच्चों जब हम लोग बात करेंगे लीगल ऑब्लिगेशन की, तो जो सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट हैं ध्यान रख लेना, जो सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है, इसलिए वहां कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता है। तो जब तक एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ नहीं होगी, एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। बताओ मेरे बच्चों, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? जो बातें मैं आपको सिखा रहा हूं, क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं कि मैंने क्या क्या बोला है अब तक? देखो, जो डेफिनेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी, अब बताओ क्या इस एक लाइन का मीनिंग समझ में आ रहा है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। क्या आपको अब इस लाइन का मीनिंग समझ में आया कि एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्यों होता है, लॉजिक क्या है इसके पीछे? क्लियर हो गया आपको ये? चलो बहुत अच्छी बात है मेरे बच्चों, शाबाश। अब देखो ध्यान से मेरी बात को सुन लेना, जो मैं आपको सिखा रहा हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सिखा रहा हूं बच्चों, आपको ध्यान से सुनना। ये कह रहा है इन बिजनेस एग्रीमेंट्स,
प्रिजम्पशन इज यूजुअली दैट पार्टीज इंटेंड टू क्रिएट लीगल रिलेशन। अभी मैंने आपको बोला जो सोशल नेचर के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें हम एग्रीमेंट होते हैं, सोशल नेचर के उसमें हम मानते हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता। लेकिन आप जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट करेंगे, कोई चीज को खरीदने बेचने की बात हो रही है या किस जो बिजनेस नेचर की ट्रांजेक्शन है उसमें पहले से माना जाता है, ये प्रिजम्पशन है, ये बताने की जरूरत नहीं होती कि हमने लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट किया है। तो देखो, डज एन एग्रीमेंट टू बाय सर्टेन स्पेसिफिक गुड्स एट एन एग्रीड प्राइस। जैसे मैंने बोला मैं आपसे 100 बैग्स ऑफ व्हीट परचेज करूंगा, ठीक है, ठीक है, एट 2000 पर बैग, इज ए कॉन्ट्रैक्ट। क्योंकि ये क्या है, इसे लीगल ड्यूटी क्रिएट हो गई है, एनफोर्सेबल बाय लॉ हो गया है। बात समझ में आई मैं क्या कह रहा हूं आपको? मैं कह रहा हूं कि जब भी कोई बिजनेस एग्रीमेंट होगा तो कोर्ट ये मान के चलता है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गया है और कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, ठीक है। तो जो बिजनेस एग्रीमेंट है उसमें क्या प्रिजम्पशन होती है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा ही होगा। एंड इन केस ऑफ डिफॉल्ट ऑफ एंड ऑन द पार्ट ऑफ इधर पार्टी, अगर एक पार्टी मना कर दे कि मैं तो नहीं करता ये काम पूरा, एन एक्शन फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देना, कुड बी एनफोर्स्ड थ्रू ए कोर्ट। तो आप उसको जाके कोर्ट में अप्लाई करवा सकते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? बोलो मेरे बच्चों। मैं ये कह रहा हूं कि जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट होंगे, जितने भी बिजनेस एग्रीमेंट होंगे उसमें ये प्रिजम्पशन है, ये पहले से माना जाता है। क्या माना जाता है? कि वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन है और एक पार्टी ने अगर अपनी बात पूरी नहीं की तो दूसरी पार्टी भी कोर्ट में जाके अपनी बात रख सकती है कि इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, इस पर जुर्माना लगाओ, मेरा नुकसान भरवाओ। बात समझ में आई कि नहीं आई? प्रोवाइडेड अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये एक अलग पॉइंट है, ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। ये पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में चलने वाली बातें हैं कि जो बातें सेक्शन 10 में लिखी गई हैं जो कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जरूरी हैं वो तो पूरी होनी चाहिए, ठीक है। जैसे मेड बाय फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज, पार्टी कंपिटेंट होनी चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये सारी बातें होनी चाहिए। मैं आपको समझा देता हूं थोड़ी सी बातें। देखो यहां पर क्या लिखा है, ये कह रहा है प्रोवाइडेड अदर एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, बाकी बातें जो एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाती हैं वो भी पूरी होनी चाहिए तभी आप कोर्ट में जा सकते हैं। जैसे एग्जांपल क्या दिया है, फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज। जैसे मान लो मैं ये चाहता हूं कि आप मेरा ये मोबाइल 5 लाख रुपए में परचेज कर लीजिए, मैं क्या चाहता हूं आप ये मेरा मोबाइल 5 लाख रुपए में परचेज कर लीजिए। अब आप मन मन में मेरे को गालियां निकाल रहे होगे, शक्ल देखिए खुद की, 5 लाख रुपए बोल रहा है, मैं ये तेरे से 5,000 में ना खरीदूं, कहां बोला 5 लाख रुपए में खरीद लो, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मैंने एक काम किया, मेरे पास एक गन है, मेरे पास बंदूक है, मैंने तुमसे पहले पूछा हाँ भाई बताओ 5 लाख में परचेज करोगे, आपने बोला नहीं नहीं करता मैं तो 5 लाख में, मैं तो 5,000 में करूंगा, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, मैंने बंदूक निकाली कान के नीचे लगा दी ऐसे, हाँ भाई बोल खरीदेगा 5 लाख में तुमने, हाँ हाँ खरीदूंगा ना 5 लाख में, मैंने कब मना किया, मैंने तो पहले भी हाँ ही किया था, तुम्हें गलती से ना सुनाई दे गया, मैंने तो पहले भी हाँ ही बोला था भाई, मैंने तो मना किया ही नहीं है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ऑफर किया, आपने एक्सेप्ट किया, लेकिन आपकी कंसेंट फ्री नहीं है, आपकी कंसेंट क्या नहीं है, फ्री नहीं है। हालांकि बात किस चीज की हो रही है, बिजनेस एग्रीमेंट हो रहा है, खरीदने बेचने की बात हो रही है, लेकिन एग्रीमेंट फ्री कंसेंट से नहीं हुआ है, तो कोर्ट में जाके आप उसको क्या कर सकते हो, कैंसिल करवा सकते हो। कोर्ट बोलेगा नहीं भाई तूने बोला था कि पूरा करो, अब पूरा करना पड़ेगा, नहीं, ठीक है। कंपीटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, पर्सन में कैपेसिटी होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने की, वो माइनर नहीं होना चाहिए। माइनर आपने सुना होगा 18 साल से नीचे का, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है, यानी उसका जो माइंड है वो सही होना चाहिए। मान लो
मैं एक पागल इंसान हूं, ठीक है, और मैंने तुमसे बोला कि मैं तुम्हारा मोबाइल खरीद लूंगा, 5 करोड़ रुपए में खरीद लूंगा, मैंने एग्रीमेंट कर लिया तुमसे, तो तुम इसे कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकते क्योंकि मेरा दिमाग काम ही नहीं करता, मैं तो पागल हूं। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोग आने वाले क्लासेस में डिस्कस करेंगे। मैंने एक दो पॉइंट आपको बता दिए कि जब हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसको वैलिड बनाने के लिए काफी सारी बातें होती हैं जो हमें पूरी करनी पड़ती हैं। नेक्स्ट क्लासेस में मैं आपको पहले उनका ब्रीफ बताऊंगा और उससे आगे की क्लासेस में फिर हम डिटेल में उनको पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मेरी ये बात समझ में आ रही है कि जो बिजनेस एग्रीमेंट होते हैं उसमें ये पहले से माना जाता है कि लीगल ओब्लिगेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। और लेकिन ये बात ध्यान रखना कि कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड बनाने के लिए बाकी जो बातें हैं वो भी मौजूद होनी जरूरी होती हैं। अभी तक बेटा मैंने आपको जितनी भी बातें बताई हैं, आपको कोई भी डाउट लग रहा है मेरी बातों में जो आपको नहीं समझ में आया, या आप मेरी किसी बात से सहमत नहीं हैं, तो आप मेरे से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं बच्चों। आपके जो भी डाउट हैं अगर आपको लगता है तो आप क्लियर कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं अपनी बातों को। लीगल ओब्लिगेशन से पहले वाली स्लाइड कौन सी स्लाइड है भाई, आप मुझे बताइए। लीगल ओब्लिगेशन से पहले वाली स्लाइड, इसकी बात कर रहे हैं मोहित आप? मोहित क्या आप इसकी बात कर रहे हो? लीगल ओब्लिगेशन से पहले वाली स्लाइड रिपीट कर दो, क्या ये वाली स्लाइड की बात हो रही है यहां पे? बताइए मोहित, क्या यही वाली स्लाइड आपने पूछी है मेरे से और इसमें डाउट है तो बताइए क्या डाउट है। पहला पॉइंट तो मैंने ये बताया कि जो पर्सन है वो प्लूरल होने चाहिए, एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए, एक से ज्यादा पर्सन होने चाहिए। एक अकेला बंदा खुद के साथ एग्रीमेंट नहीं कर सकता है। दूसरा, कंसेस एड एडम का मतलब होता है दोनों की सहमति सेम बात पे होनी चाहिए, मतलब जिस बात पे ऑफर किया गया, जैसा ऑफर किया गया वैसी ही एक्सेप्टेंस आनी चाहिए, कुछ चेंज उसमें नहीं होना चाहिए। जैसा ऑफर किया है वैसा ही एक्सेप्टेंस होना चाहिए, ये जरूरी है मेरे बच्चों। बताइए कोई डाउट है, कुछ पूछना है किसी भी बच्चे ने? तो ये हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों कल की क्लास के लिए, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कल की क्लास बहुत मजेदार होने वाली है, जो बच्चे आज की क्लास देख रहे हैं उसे अच्छे से देखना। कल की क्लास में मैं आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करूंगा, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कल शाम को मिलेंगे बच्चों 6:15, 6:15 पे डेली मेरी क्लास होती है, और आने वाले टाइम में बहुत दिनों तक हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को पढ़ने वाले हैं, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बहुत डिटेल से सिखाने वाला हूं, ठीक है। इस मेरी क्लासेस को करने के बाद बच्चों आपको कभी ये दिक्कत नहीं आएगी कि सर मेरे को ये टॉपिक रह गया एग्जाम में पूछ लिया, सब कुछ कवर करके चलेंगे हम लोग, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू सो मच मेरे साथ कनेक्ट होने के लिए। आप लोगों ने अगर हमारा चैनल लेट्स क्रैक सी एग्जाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप ऐप को सब्सक्राइब करें तो मेरा जो कोड है SPSUNIL1 इसको यूज करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, फिर मिलेंगे जल्दी ही।